सो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईएनएसटी एन मोहाली इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल सो आईएनएसटी एन एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है बट ये डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है एंड अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं so, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्फॉर्मेशनस हैं उन्हें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सो so, सबसे पहले आप उसके लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं जो कि है आई एन एस टी डॉट सी डॉट इन इसके बाद यहाँ मेन्यू सेक्शन आपको दिख रहा है राइट right? इस पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपको वेट oh यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे कुछ ऑप्शन इसमें है अकेडमिक्स इसके बाद सॉरी अकेडमिक्स के बाद एडमिशन सो ओपन हो जाएगा एडमिशंस का पोर्टल डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे आप देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए लेटेस्ट आया हुआ है नोटिफिकेशन पीएचडी के लिए फॉर जनवरी 2023 सेशन ओके जनवरी 2023 के लिए सो एडवर्टीज़मेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिख रहा है आपको एंड लास्ट डेट क्या है सो लास्ट डेट इज़ ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर तो चलिए पहले एडवर्टीजमेंट देखते हैं दैट इज नोटिफिकेशन देखते हैं इसके बाद देखेंगे एक बार एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर साइनिंग ऑफ सो so, येस yes, ये है नोटिफिकेशन फोर्थ ऑफ अक्टूबर डेटेड है दैट आई एन एस टी मोहाली इन वाइट्स एप्लीकेशन फॉर पी एच डी प्रोग्राम इन सेवरल एरियाज ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी ओके फेलोशिप्स येस मिलेगी आपको एज़ पर दी नॉर्म्स ऑफ आई एन एस टी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अगर आपके पास इंडिपेंडेंट अपना खुद का सोर्स है फेलोशिप का तो आपको इनक्रेज किया गया एंड ऑफकोर्स आपको प्रेफरेंस मिलेगी इसके अलावा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एनरोल होंगे पी एच डी प्रोग्राम में आईसर मोहाली के अंडर एंड पी एच डी डिग्री भी आपको आईसर मोहाली हाली की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी एंड वर्कआप करेंगे आईएनएसटी में ठीक है इसके बाद है एलिजिबिलिटी सो मास्टर्स डिग्री है एमएससी एस एम या फिर एम किया है बेसिक या अप्लाइड साइंस में इंजीनियरिंग या रिलेटेड एरियाज़ में तो आप एलिजिबल हैं अगर आप अभी अपियरिंग हैं फाइनल ईयर में हैं फाइनल सेमेस्टर में हैं या रिजल्ट नहीं आया तो आप भी एलिजिबल हैं बस हाँ ज्वाइनिंग के टाइम तक डिग्री मिल जानी चाहिए आपको राइट नेक्स्ट आपके पास इनमें से कोई और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए बी इट गेट और सी एस आई यू जी सी नेट और जेस्ट और जे जी ई बिल्स टी आई एफ आर या एन सी बी एस का या फिर आई सी एम आर जे आर एफ डी बी टी जे आर एफ डी एस टी इंस्पायर या फिर जी पैट ओके इनमें से कोई भी एक क्वालिफाई किया है तो यू आर एलिजिबल एज लिमिट जो भी गाइडलाइंस यू जी सी वगैरह की होती हैं वही फॉलो होंगी इसके बाद है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर सो फॉर्म आपको मैंने दिखा दिया है आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं सो so, वो आपको फिल करना है एंड इसके अलावा आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है अपनी सिनॉपसिस भी ठीक है तो ये फॉर्म का लिंक है इस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की जिसपे आप फोटोग्राफ वगैरह को पेस्ट करेंगे ओके अलोंग विद जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो कि एज को प्रूफ तो एज को प्रूफ मेनली डेट ऑफ बर्थ एज के लिए हम टेंथ को यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अगर आपके पास और कोई नहीं है इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर एक्सपीरियंस है रिजर्वेशन है तो सबके प्रूफ के साथ आपको उसे भेज देना है ये एड्रेस पे दे डायरेक्टर आन एस टी नॉलेज सिटी सेक्टर एटी वन मोहाली पंजाब ओके एनवेलप जो होगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा इट शुड बी सब्सक्राइबड एप्लीकेशन फॉर द पी प्रोग्राम जनवरी ट्वेंटी ओके नेक्स्ट यहाँ पे है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड फिर आपको आ, मतलब आप फिर इंटरव्यू देंगे एंड जो डेट एंड मोड है वो आपको बाद में ईमेल आईडी के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ओके आफ्टर दैट पीएचडी इंटरव्यूज़ इन पर्सन होंगे एंड आपको कोई टी ए डी ए भी पे नहीं किया जाएगा तो मोहाली जाना होगा ओके इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं नेक्स्ट सीट्स कितनी है? so, यहां हैं सो यहाँ पे देखिए जनरल की ट्वेंटी सीट्स हैं ई डब्ल्यू एस फाइव ओ बी सी थर्टीन एस सी सेवन एंड एस टी फोर राइट एप्लीकेशन फीस इज़ एप्लीकेशन फी इज़ फाइव नाइन्टी फॉर जनरल ओ बी सी डब्ल्यू एस एंड इट इज़ टू नाइन्टी फाइव फॉर एस सी एस टी पी एच कैंडिडेट्स राइट आफ्टर दैट आपको ये अकाउंट डिटेल्स दिख रही हैं इसी पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है एंड इसके डिटेल्स भी आपको एप्लीकेशन के साथ सेंड करने होंगे ठीक है एंड परपज़ जो होगा ट्रांजेक्शन का ये रिमार्क्स वाला सेक्शन होता है तो जहाँ भी हो वहां पे अपना नाम एप्लीकेशन नंबर वगैरह को लिख दीजिएगा राइट आफ्टर दैट लास्ट डेट सो एप्लीकेशन पहुंच जाने चाहिए आप खुद वहां रहते हैं तो खुद जाकर बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं या रजिस्ट्री कर सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर कुछ भी करिए बस ट्वेंटी अक्टूबर से पहले पहुंचा दीजिएगा वहां पर एंड यस uh, इसके yes, अलावा ये रिसर्च यूनिट्स हैं सो केमिकल बायोलॉजी अवेलेबल है एरियाज so क्या क्या हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके अलावा इनर्जी एंड एन्वायरमेंट है जिसमें इनऑर्गेनिक मटीरियल्स केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वॉलीमो केमिस्ट्री भी अवेलेबल है एंड इसके अलावा एन्वामेंटल केमिस्ट्री है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फिजिकल केमिस्ट्री है देन क्वान्टम मटीरियल्स एंड डिवाइस की ये सभी एरियाज हैं तो अच्छे से देख लीजिए वेबसाइट पर विजिट करके एक्सप्लोर कर लीजिएगा और भी ज़्यादा चीज़ों को देन अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं uh, That इज़ it। आई थिंक येस कोई इशू है सो so do लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है एंड अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दिए इसे लाइक करिए एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो